नमस्कार दोस्तों, बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में क्या है कि प्राइवेट नौकरी जो है खतरे में आ गई है। पर्याप्त सैलरी नहीं मिलने के कारण दिनचर्या जो है अस्त व्यस्त हो गया है और महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में क्या है कि कुछ लोग जो है नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से क्या है वो बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मैं आपको 10 ऐसे बेहतर मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कीमत मात्र 10 से 12 हजार रुपये है। इनमें से आप किसी एक मशीन को भी खरीद करके अपने एरिया में बिजनेस करेंगे तो आप अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इस वीडियो में मशीन की पूरी जानकारी और मशीन सेलर का नंबर ये पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहला जो मशीन बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो अगरबत्ती मेकिंग मशीन है। इससे आप अगरबत्ती का बिजनेस करेंगे। भारत जो है दोस्तों धार्मिक आस्था वाला देश है, इस वजह से अगरबत्ती की जो खपत है वो घरों में, मंदिरों में और धार्मिक स्थलों में होती है। कहने का मतलब अगरबत्ती की जो खपत है बहुत ज़्यादा होती है और अगरबत्ती के लिए दोस्तों विशेष किसी ब्रांड की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आजकल लोगों की ऐसी च्वाइस होती है कि जिस अगरबत्ती में ज़्यादा स्टिक और ज़्यादा सेंटेड हो वो अगरबत्ती ज़्यादा बिकता है। तो आप भी दोस्तों अगरबत्ती का बिजनेस करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट एक ब्रांड बना करके जो है अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। वैसे तो दोस्तों अगरबत्ती मेकिंग मशीन की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मैं आपको ये जो मशीन बता रहा हूँ इसकी कीमत मात्र 12,500 रुपये की है और 50 से 100 स्ट्रोक पर मिनट है। यदि आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मशीन सेलर का डिटेल है, आप संपर्क करके इसको खरीद सकते हैं। दूसरा जो मशीन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों पॉपकॉर्न की मशीन है। इससे आप पॉपकॉर्न का बिजनेस करेंगे। आप जानते हैं कि पॉपकॉर्न का बिजनेस जो भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा अर्निंग लेते हैं क्योंकि पॉपकॉर्न का जो बिजनेस है वो बहुत धड़ल्ले से चलता है। आपने देखा होगा भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे कि सिनेमा घर हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, बाजार हो गया, वहाँ पर जो पॉपकॉर्न का बिजनेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा लेते हैं। दोस्तों पॉपकॉर्न का बिजनेस के बारे में और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मैं पहले से वीडियो डाल करके रखा हूँ मेरे चैनल में, आप जो है विजिट करके जो है आपको पूरी डिटेल ले सकते हैं। यदि आपको पॉपकॉर्न का बिजनेस करना है तो मैं आपको जो मशीन बता रहा हूँ वो 2-in-1 मशीन है दोस्तों। ये जो है गैस से भी चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है क्योंकि दोस्तों हर जगह इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए वहां पर आप गैस से भी इस मशीन को चला सकते हैं और पॉपकॉर्न का बिजनेस कर सकते हैं। यदि इसकी कीमत की बात करें दोस्तों तो मात्र 12,000 रुपये की है। आप मशीन सेलर से संपर्क करके जो है इस मशीन को खरीद सकते हैं। तीसरा जो मशीन मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों स्लीपर मेकिंग मशीन है। आपने देखा होगा दोस्तों जो स्लीपर की जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, थोक व्यापारी से खरीदते हैं और चिल्हर में उसको बेचते हैं। कहने का मतलब मार्केट वगैरह में या भीड़भाड़ वाली जगहों में या शॉप लगा करके बेचते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस मशीन से स्वयं यदि आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी प्रॉफिट दर ज़्यादा होगी। ये जो है दोस्तों इस मशीन की कीमत भी बहुत कम है, मात्र 9,000 रुपये है। यहाँ पर मशीन सेलर का पूरा डिटेल है, आप उसमें संपर्क करके इस मशीन को मंगा सकते हैं और अपने एरिया में बिजनेस करके बहुत अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। चौथा जो मशीन है दोस्तों कॉमर्शियल जूसर मशीन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल जूसर मशीन है दोस्तों। इससे आप जूस सेंटर का बिजनेस करेंगे। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, बॉडी में इम्यूनिटी की आवश्यकता है तो इस स्थिति को देखते हुए जूस सेंटर जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। आप भी दोस्तों इसका बिजनेस करेंगे तो आप इस बिजनेस के साथ जो है अपने फैमिली का भी क्या है कि इम्यूनिटी मतलब इंक्रीज करने के लिए भी बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये जो जूस मशीन जो है ये सभी प्रकार के फल और सब्जियों के जूस को निकालता है, एकदम बेस्ट है, कॉमर्शियल जूसर मशीन है दोस्तों। यदि आप इस बिजनेस को च्वाइस करते हैं तो ये जो मशीन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसकी कीमत मात्र 12,500 रुपये है और यदि आपको इसको खरीदना है तो ये क्या है मशीन सेलर के डिटेल में आप संपर्क करके जो है खरीद सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जूसर मशीन जो है बहुत प्रकार के आते हैं और कम कीमत के भी आती है लेकिन ये कॉमर्शियल जूसर मशीन है इसलिए दूसरे मशीनों से क्या है कि ये बेस्ट है। दोस्तों पांचवा जो मैं मशीन आपको बताने जा रहा हूँ वो दाल ग्राइंडर मशीन है। दोस्तों आपने देखा होगा जो दाल का बिजनेस करते हैं वो बहुत ज्यादा अर्निंग लेते हैं क्योंकि दोस्तों दाल जो है हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा है। हर व्यक्ति दाल खाता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो दाल नहीं खाता होगा। तो दाल का बिजनेस जो है दोस्तों बहुत अच्छे से चलता है। यदि आप दाल का बिजनेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे।
आपने देखा होगा जो दाल का बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं कि वो थोक व्यापारी से खरीद करके चिलर में बेचते हैं। इससे क्या है कि उसकी प्रॉफिट दर वो कम होती है, लेकिन यदि आप इस मशीन से बीज के रूप में या अन्न के रूप में खरीदेंगे और उसको दाल के रूप में मतलब चेंज कर देंगे, उसके बाद जब आप सेल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रॉफिट दर ज्यादा होगी। साथ ही दोस्तों जो चिलर विक्रेता है और थोक विक्रेता है वो भी आपसे क्या है खरीदेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये दाल ग्राइंडर की मशीन से यदि आप दाल का बिजनेस करेंगे तो अपने एरिया में बहुत अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। छठवां जो मशीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो वेल्डिंग मशीन है। और दोस्तों आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, देखिए ये जो पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन है, आपने देखा होगा वेल्डिंग शॉप जो है बिजनेस करते हैं वो लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतना काम रहता है कि वो काम को सही समय में पूरा नहीं कर पाते हैं चाहे कितना भी वेल्डिंग मशीन हो। क्योंकि दोस्तों आजकल जो है लकड़ी की अपेक्षा लोहे का डिमांड जो है ज्यादा हो गया है, लोहे से बनी हुई प्रोडक्ट या जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी कीमत कम और मजबूती ज्यादा होता है। तो दोस्तों आप भी जो है वेल्डिंग शॉप का बिजनेस करके अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी मिस्त्री से किसी वेल्डिंग शॉप में 2-3 महीने का मतलब सीखने की आवश्यकता है, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस को करने के लिए दोस्तों आपको इस मशीन की आवश्यकता होगी जिसकी कीमत मात्र 5,000 रुपये है। लेकिन दोस्तों इसके साथ और भी मशीन की आवश्यकता होगी, 1,000 रुपये में कटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब मशीन आपको 6,000 में मिल जाएंगे और 6,000 का आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दोस्तों जैसे कि एंगल हो गया, चैनल हो गया, बार हो गया, ये सब आपको खरीदना पड़ेगा। तो वो आप 6,000 में खरीद करके स्टार्ट अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जैसे जैसे आपकी मतलब कस्टमर की डिमांड होगी उस हिसाब से जो है आप जो है अपना मशीन और मटेरियल को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है 10,000-12,000 के आसपास में जो है आप वेल्डिंग शॉप का जो बिजनेस है वो आप कर सकते हैं और ये मशीन आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सातवां जो मशीन आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो सिलाई मशीन है। इससे आप जो है दोस्तों एक साथ बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप शर्ट पेंट वगैरह तो सिलेंगे ही, रेडीमेड कपड़ा हो गया, ड्रेस वगैरह हो गया और कैरी बैग ट्रेवल बैग हो गया, मच्छरदानी पर्दा हो गया दोस्तों, और खिलौने वगैरह जैसे टेडी बियर हो गए और सीट कवर हो गया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो है दोस्तों आप इस मशीन से कर सकते हैं। और इसके बारे में और डिटेल आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो मेरा एक और वीडियो मैंने डालकर रखा हुआ है जिसमें सिलाई मशीन के 24 बिजनेस आइडिया उसमें मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को देख करके जो है सिलाई मशीन के बारे में और डिटेल मतलब आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से बिजनेस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो मशीन आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसकी कीमत 10,000 रुपये है और इसकी जो स्टिचिंग कैपेसिटी है वो 5,000 स्टिचिंग पर मिनट है दोस्तों। तो बिजनेस पर्पस से बहुत ही बेस्ट है, इसमें एक साथ बहुत सारे बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा अर्निंग लेने के लिए बहुत ही बेहतर है। आठवां जो मशीन आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों बाल पेन मेकिंग मशीन है। दोस्तों बाल पेन मेकिंग मशीन से आप बाल पेन का जो है बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों इस बाल पेन की आवश्यकता देखे होंगे कि हर किसी को रहता है, चाहे वो स्टूडेंट रहे चाहे ना रहे, चाहे ऑफिस वाला रहे, चाहे किसी को भी जो भी व्यक्ति साक्षर है उसको बाल पेन की मतलब की आवश्यकता तो होती है। तो बाल पेन का बिजनेस जो है बहुत ज्यादा चलता है, आपने देखा होगा कि ये स्टेशनरी में, किराना दुकान में और जनरल स्टोर में हर जगह बाल पेन का बिजनेस जो है लोग करते हैं। तो आप भी दोस्तों बाल पेन के लिए बिजनेस करके अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेष मतलब ब्रांड की भी आवश्यकता नहीं, ब्रांड तो होती है लेकिन नॉन ब्रांड वाले भी बहुत ज्यादा चलते हैं। तो दोस्तों आप भी जो है अपना ब्रांड मार्केट में उतार करके जो है अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप ऑनलाइन सेलिंग करके अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यदि इस मशीन की कीमत की बात करें दोस्तों तो मात्र 13,500 रुपये की है, आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं। और आपको यदि ये मशीन चाहिए तो आप इस मशीन सेलर से संपर्क करके आप इस मशीन को मंगा सकते हैं। और यदि आपको और भी वैरायटी चाहिए तो आप यहाँ पर और भी वैरायटी दिया गया है दोस्तों, आप अपने बजट के हिसाब से मशीन खरीद करके बाल पेन का बिजनेस करके बहुत अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। नौवां जो मशीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो पापड़ मेकिंग मशीन है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों पापड़ के बिना जो है भोजन क्या है अधूरा रहता है और पापड़ बहुत जरूरी होता है। इस मशीन की एक और खासियत है ये पापड़ बनाने के साथ साथ रोटी भी इस मशीन से बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ऑटोमेटिक है दोस्तों, इससे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में जो है आप पापड़ और रोटी बना सकते हैं। आप जैसे कि मशीन में देख रहे हैं दोस्तों इसमें अलग अलग वैरायटी के पापड़ और रोटी जो है इसमें बनाए जाते हैं। ये मशीन बिजनेस पर्पज से बहुत ही बेहतर है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली मतलब मशीन है।
तो दोस्तों यदि आपको ये मशीन चाहिए तो स्क्रीन में आप देख रहे हैं इसकी कीमत मात्र 10,500 रुपये है। इस मशीन सेलर से आप संपर्क करके इस मशीन को मंगा सकते हैं और अपने एरिया में बिजनेस करके अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। दसवां जो मशीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो डोना मेकिंग मशीन है। आपने देखा होगा दोस्तों कि किसी भी समारोह वगैरह में जहाँ पर ज़्यादा लोगों को खान पान मतलब एक साथ करना होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि डोना पत्तल की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी डिमांड है। इस वजह से ये कई जगहों में बिकती है, मतलब किराना दुकान हो गया, अलग से इसकी शॉप भी होते हैं और जनरल स्टोर हो गया वहाँ पर भी मतलब आजकल कुछ लोग रखने लगे क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप भी डोना पत्तल का बिजनेस करके बहुत अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों डोना पत्तल की मशीन की कीमत जो है 10,000 से ऊपर होती है, लेकिन हम आपको लिए जो है 7,000 की ये मशीन आपको दिखा रहे हैं। इस मशीन की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 1500 डोना जो है पर डे मतलब तैयार किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों इसमें अलग अलग अगर आपने डिजाइन में और डोना बनाना है या प्लेट वगैरह बनाना है तो डाइया चेंज करके इस मशीन से वो भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो 10 मशीन की जानकारी आपको दिया गया है वो आपको पसंद आया होगा। और साथ ही दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी जो वीडियो हैं हमारे चैनल में डाल चुके हैं और साथ ही ऐसे ही वीडियो जो है हम डालते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।